मुख्यमंत्री तो बनने लायक है, इसमें दो मत नहीं है और बनना भी चाहिए। ये लालू जी का सोच है, उनका सुपुत्र है, क्योंकि अपने थे तो अपने हटने के बाद पत्नी को मनाया है, अब बेटा लायक हुआ तो कोशिश है उनका कि बने ये मुख्यमंत्री। क्या चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री तो बनने लायक है, इसमें दो मत नहीं है और बनना भी चाहिए। ये लालू जी का सोच है, उनका सुपुत्र है, क्योंकि अपने थे तो अपने हटने के बाद पत्नी को मनाया है, अब बेटा लायक हुआ तो कोशिश है उनका कि बने ये मुख्यमंत्री। तो जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार तो उनको क्या कहा जाए, ऐसे मौखिक ताज तो पहना दिए हैं, वक्त देखिए क्या करता है नहीं करता है। क्या लगता है जदयू में जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश जी के बाद कोई और हैं या कि तेजस्वी जी को ही सौंप दिया जाएगा? ये नहीं कह, एक पर एक है छिपा हुआ, तो जिनको वोट रहेगा वही ना बनेगा, वोट वहाँ नहीं रहेगा। मान लीजिए हमारे पार्टी में किसी को बना दिया, उसके पास वोटे नहीं है तो कैसे वो जीतेंगे? लालू जी के पास वोट है, नीतीश जी के पास कम है। नहीं नहीं, कम कैसे है, नीतीश जी दुनिया को चला रहे हैं, नीतीश के पास पूरे देश का वोट है। वो देखते हैं देश को कंट्रोल कर लिया, जितना क्षेत्रीय पार्टी सब एक हो गया और भारतीय जनता पार्टी अकेले रह गए, बाकी सब पार्टी नीतीश कुमार के साथ। ये ब्रेन का कमाल है, योग है नीतीश कुमार तब ना, निर्विवाद आदमी है, सब कुछ है। और इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को एक को सीट 40 में 40 नहीं मिलेगा कुर्सी, यहाँ पर नीतीश और ये लालू का कमाल है। इस पर क्या चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री तो बनने लायक है, इसमें दो मत नहीं है और बनना भी चाहिए। ये लालू जी का सोच है, उनका सुपुत्र है, क्योंकि अपने थे तो अपने हटने के बाद पत्नी को मनाया है, अब बेटा लायक हुआ तो कोशिश है उनका कि बने ये मुख्यमंत्री। तो जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार तो उनको क्या कहा जाए, ऐसे मौखिक ताज तो पहना दिए हैं, वक्त देखिए क्या करता है नहीं करता है। क्या लगता है जदयू में जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश जी के बाद कोई और हैं या कि तेजस्वी जी को ही सौंप दिया जाएगा? ये नहीं कह, एक पर एक है छिपा हुआ, तो जिनको वोट रहेगा वही ना बनेगा, वोट वहाँ नहीं रहेगा। मान लीजिए हमारे पार्टी में किसी को बना दिया, उसके पास वोटे नहीं है तो कैसे वो जीतेंगे? लालू जी के पास वोट है, नीतीश जी के पास कम है। नहीं नहीं, कम कैसे है, नीतीश जी दुनिया को चला रहे हैं, नीतीश के पास पूरे देश का वोट है। वो देखते हैं देश को कंट्रोल कर लिया, जितना क्षेत्रीय पार्टी सब एक हो गया और भारतीय जनता पार्टी अकेले रह गई, बाकी सब पार्टी नीतीश कुमार के साथ। ये ब्रेन का कमाल है, योग है नीतीश कुमार तब ना, निर्विवाद आदमी है, सब कुछ है। और इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को एक को सीट 40 में 40 नहीं मिलेगा कुर्सी, यहाँ पर नीतीश और ये लालू का कमाल है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।